हाय दोस्तों, आज हम लोग उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, जो वहां पर कुंभलगढ़ के किले के मॉडल, चित्तौड़गढ़ किले के मॉडल और हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उसका जो मॉडल है यहां रखा गया दोस्तों। तो आइए उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से मॉडल जो है वो बनाया गया था किले का। यहाँ सिटी पैलेस जो बना हुआ है उदयपुर में, उसका भी मॉडल इसी ऑडिटोरियम में रखा गया है। आइए चलते हैं दोस्तों ऑडिटोरियम के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुंभलगढ़ किले का मॉडल जो है, मॉडल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, किस प्रकार से बनाया गया था इसका मॉडल। इस किले का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 शनिवार को कराया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले की दीवार लगभग 36 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, आप देख सकते हैं मॉडल में। यह किला यूनेस्को की सूची में शामिल है। कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। यह दुर्ग की कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। इसी किले में दोस्तों बादल महल, कुंभा महल भी स्थित हैं। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी किले में रहा करता था और यहीं पर कुमार पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था दोस्तों। उन्ना राजकुमार कुमार पृथ्वीराज की छपरी भी इसी किले में स्थित है। महाराणा प्रताप का जो जन्म दोस्तों है वो कुंभलगढ़ में ही हुआ था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी किले में रहे। इस किले के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय हमेशा अजर और अमर रहा दोस्तों। ये किला कभी कोई भी नहीं जीत पाया। ये देख सकते हैं इसकी विशाल दीवार है दोस्तों, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी, विश्व में दूसरी दीवार कही जाती है सबसे बड़ी दीवारों में। इस दुर्ग की कई दुखियांत घटनाएं भी हैं, जिसे महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए और कुल मिलाकर किले ऐतिहासिक विरासत, किसान और सूरवीरों की तीर्थ स्थली भी रहा है। कुंभलगढ़ का किला जो है दोस्तों बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य है स्वरूप में है। ये देखिए आप किस तरह से मॉडल डिजाइन किया गया था। इस किले की प्राचीर 36 मील लंबी व 7 मीटर चौड़ी बताई जाती है, और जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसीलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसी किले के अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं दोस्तों। किले में घुसने के लिए औरट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजय पाल पोल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें छाली रानी का मालिया महल भी स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुंभलगढ़ का जो मॉडल है कुंभलगढ़ किले का, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिजाइन किया गया था। इस किले में मंदिर, वास्तुकला और कई दर्शनीय स्थल भी हैं दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित और भव्य उसी तरह से ये मंदिर आज भी हैं।
इस किले के उत्तर की तरफ का पैदल रास्ता टोटिया का होड़ा तथा पूर्व की तरफ हाथी घुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाढ़ी वहाँ कहलाता है, जिसे किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहा जाता है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों भैरव पुल भी स्थित है, जो आप देख सकते हैं मॉडल पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों सिटी पैलेस का मॉडल किस तरह से डिजाइन किया गया है, किस तरह से ये मॉडल बनाया गया था एंशिएंट टाइम पे। सिटी पैलेस की स्थापना दोस्तों 16वीं शताब्दी में हुई थी और इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह द्वितीय को दिया था कि आप इस सिटी पैलेस का निर्माण करवाएं। और यह परिसर 400 वर्षों से बने भवनों का समूह है, यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वरूप है सिटी पैलेस का। आप कभी भी आए तो उदयपुर में सिटी पैलेस जरूर घूमने के लिए जाएं। ये उसी का मॉडल है जो आप देख रहे हैं, इसे अब सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। इसका जो रख रखाव है दोस्तों वो राजस्थान गवर्नमेंट करती है। इसी परिसर इसी सिटी पैलेस के अंदर दोस्तों एक जगदीश मंदिर भी है जो बहुत ही फेमस है, आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। उसका भी मॉडल दोस्तों इसमें बताया गया, दिखाया गया है मॉडल में, उस मंदिर को भी दिखाया गया है। दोस्तों ये जो सिटी पैलेस है ना, ये पिछोला झील जो पिछोला लेक है उसके पास में ही है। इस संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपकी नज़र कुछ बेहतरीन चित्रों पर पड़ेगी। ये चित्र श्रीनाथ जी, एकलिंग जी तथा चतुर्भुज जी के हैं। ये सभी चित्र मेवाड़ शैली में बने हुए हैं। आप जब अंदर जाएंगे सिटी पैलेस में, ये तो मॉडल आप देख रहे हैं, आप कभी सिटी पैलेस के अंदर जाइए तो उसमें बहुत सारे चित्र मिलेंगे जो श्रीनाथ जी के होंगे, एकलिंग जी के होंगे और चतुर्भुज भगवान के चित्र वो मेवाड़ शैली में बने हुए इसके अंदर रखे गए हैं। ये पिछोला झील का बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं सिटी पैलेस से। सिटी पैलेस जो है दोस्तों ये पिछोला झील के किनारे ही बनाया गया था। इसको यहीं पर वादी महल व अमर विलास महल जिसे बोलते हैं वो भी स्थित है। इस भवन के साथ बगीचा भी लगा हुआ है, विशाल बगीचा गार्डन है। देखिए किस तरह से इसका मॉडल बनाया गया है सिटी पैलेस का। देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। इस मॉडल को दोस्तों महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये हल्दी घाटी का मॉडल ही इसमें तैयार किया गया है। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, उस युद्ध क्षेत्र का जो है मॉडल इसमें तैयार किया गया है। हल्दी घाटी रण क्षेत्र का मॉडल इसमें तैयार किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को
मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवार और उनके सहयोगों तक उनके सहयोगों के साथ मिलकर महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का बहुत सहयोग मिला था। दोस्तों भील की सेना बनाई थी उन्होंने और अकबर की सेना का सामना किया था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मॉडल तैयार किया गया है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। इसी युद्ध में अकबर की रूह कांप गई थी महाराणा प्रताप का शौर्य देखकर। इसी मॉडल में दोस्तों चेतक ने जिस नाले को पार किया था उसको भी दिखाया गया है। इस हल्दीघाटी की युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। दोस्तों यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर बहुत भारी पड़ी थी और उनकी रणनीति सफल भी रही थी। दोस्तों ये देख सकते हैं एरावत हाथी जो महाराणा प्रताप का फेवरेट हाथी था एरावत, उसका भी इसमें मॉडल तैयार किया गया है। लाल खान को जो महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया था वो भी इसमें दिखाया गया मॉडल में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अगला मॉडल जो है वो चित्तौड़गढ़ किले का है। किलों में शिरोमणि दोस्तों इस किले को कहा जाता है कि सबसे विशाल और भव्य किला है। दोस्तों ये भारत में चित्तौड़गढ़ का जो किला है भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो चित्रागंध मौर्य ने बनवाया था। भीलवाड़ा से कुछ ही किलोमीटर दक्षिण में है। ये है एक विश्व विरासत स्थल है। दोस्तों चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी जहाँ पर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में कई लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ये किला जो है बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी किलों का शिरोमणि, दुर्गों का शिरोमणि कहते हैं। दोस्तों सबसे विशाल किला जो है यही है इसी के अंदर दोस्तों आप विष्णु स्तंभ देख सकते हैं, सौर स्तंभ देख सकते हैं किले के अंदर बना हुआ है। इसी किले के अंदर दोस्तों 1600 छत्रानियों के साथ पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मनी रघुवंशी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। 1600 छत्रानियों के साथ महारानी पद्मावती ने अग्निकुंड में साथ में कूद कर जौहर किया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ था। दोस्तों इसीलिए यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तीसरा जौहर जो हुआ था दोस्तों इस किले में वो राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य और विशाल किला है जो है ये चित्तौड़गढ़ का। आज भी इसी तरह आप देख सकते हैं इसी चित्तौड़गढ़ के किले में 16 से 20 हजार वीर रानियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन मुगल सैनिकों को उन्हें स्पर्श भी नहीं करने दिया। दोस्तों देखिए किस तरह से
ऊंची ऊंची पहाड़ियों में इस किले को बनाया गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये तीनों मॉडल, चारों मॉडल देख सकते हैं। ये आज भी उदयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में रखे हुए हैं।